हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नितीश किचन। आज हम आपके साथ पनीर चंगेजी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं। पनीर चंगेजी बनाने के लिए हमने ये पनीर लिया है, इसे क्यूब्स में काट लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, 2 चम्मच के करीब बेसन, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ऐड करेंगे हम इसमें चाट मसाला और 1 चम्मच के करीब दही, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर मतलब मैरिनेट करने के लिए इसे रख देंगे, आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे इसे। प्यूरी बनाने के लिए हमने 3 प्याज 3 टमाटर 2 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा, इन सबको अच्छे से पीस कर इसकी प्यूरी रेडी कर लेंगे। हमारा पनीर मैरिनेट हो गया है, इसे आधा घंटा हो गया फ्रिज में रखे हुए। आइए इसे फ्राई करते हैं। ये हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म किया है, अब इसमें 1-1 करके हम अपने पनीर के पीसेस डालेंगे और इसे चारों साइड से ब्राउन होने तक फ्रिज देंगे। हम पलट पलट के चार से इसी तरह से फेंकेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पनीर कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें हमारा ये थोड़ा सा ऑयल बच गया है, इसी में हम पहले थोड़े डालेंगे खड़े मसाले। जीरा पाउडर और जो हमने प्याज टमाटर अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाला बनाया था वो डाल देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक हमारे मसाले से तेल रिलीज ना हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप देखते हैं हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें 1/2 कटोरी मेरी दही और गैस को हम कम कर देंगे और इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, नहीं तो हमारा दही जो है फट जाएगा, फिर हमारी ग्रेवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं हमारा दही अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारी सब्जी में भी अच्छे से उबाल आ गया है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें 1/2 कप के करीब मलाई। ये आप दूध से निकली मलाई ले सकते हैं या अमूल की जो आती है वो ले सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दही से आता है हमारे में टैंगी टेस्ट थोड़ा सा, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और लगातार चलाते हुए पकाएंगे इसे। आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग गाढ़ी या पतली जैसी रखना चाहते हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा नमक और गरम मसाला। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी में अच्छे से बॉयल आ गया है। इस स्टेज पर हम अपने पनीर डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा पनीर बनके रेडी है। अब हम इसे हरे धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। मेरे पास फ्रेश हरा धनिया नहीं था तो मैंने सूखा हरा धनिया सुखा के रखा था, ये मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।